He has had it. I have had the food. She had had the milk. I had had the pen there. Had you had the work? Has she had the burger? इस तरह के सेंटेंसेस को आपने न्यूज़पेपर्स में अक्सर देखा होगा। क्या आप इन सेंटेंसेस के मीनिंग्स को समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखिएगा। मैं गारंटी से कह सकता हूं एक एक सेंटेंस आपको समझ में आने लगेगा। हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज हमारा टॉपिक है हैज हैड, हैव हैड, हैड हैड का यूज किसी भी सेंटेंस में। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले तो आपको यह समझना होगा कि यहां पर जो दूसरे नंबर पे देखिए हैज के बाद हैड, हैव के बाद हैड, हैड के बाद हैड, ये जो दूसरे नंबर पे हैड लिखा हुआ है ना, इस हैड के कई मतलब हो सकते हैं सेंटेंस में। डन, डू की थर्ड फॉर्म, किसी काम को करना उसकी थर्ड फॉर्म। कैप्ट, कीप यानी रखना, रखने की थर्ड फॉर्म। ईटन, खाने की थर्ड फॉर्म। ड्रंक, पीने की थर्ड फॉर्म, पीने को ड्रिंक कहते हैं उसकी थर्ड फॉर्म। और ईटन या ड्रंक के लिए टेकन का भी यूज कर सकते हैं। अभी आप सेंटेंसेस में इस बात को समझने वाले हैं। पहला सेंटेंस, ही हैज डन इट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इस सेंटेंस का मतलब है वो ये कर चुका है या फिर उसने ये कर दिया है। इस सेंटेंस में आप देखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, करना, करने को डू कहते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। यहां पर आप डन की जगह पर हैड का भी यूज कर सकते हैं। एडवांस इंग्लिश में इस तरह से यूज किया जाता है। यही तो पूरा कॉन्सेप्ट है। हैड किसकी थर्ड फॉर्म होती है? हैव की। हैव की थर्ड फॉर्म हैड, जैसे डू की थर्ड फॉर्म डन। तो डन की जगह पर हैड का यूज आप कर सकते हैं। ही हैज हैड इट, सेंटेंस का सेंस बिल्कुल सेम है। तो दोनों तरीके से सेंटेंस को बनाया जा सकता है, ही हैज डन इट या फिर ही हैज हैड इट, और मतलब सेम होगा, वो ये काम कर चुका है या फिर उसने ये कर लिया है। दूसरा सेंटेंस, आई हैव ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका हूं। ईटन की जगह पर हैड का यूज मैं कर सकता हूं या फिर टेकन का भी यूज किया जाता है ना ईटन या ड्रंक के लिए, तो ईटन के लिए मैं टेकन का भी यूज कर सकता हूं। हैड या टेकन दोनों में से किसी का भी यूज मैं कर सकता हूं इसकी जगह पर। यानी कुल मिलाकर तीनों में से किसी का भी यूज करूं, सेंटेंस का सेंस बिल्कुल सेम है। आई हैव ईटन द फूड यानी कि आई हैव हैड द फूड यानी आई हैव टेकन द फूड। इस सेंटेंस को देखिए, शी हैड ड्रंक द मिल्क, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। वो दूध पी चुकी थी, हैड का यूज हो रहा है। ड्रंक की जगह पर या तो हैड का यूज आप कर सकते हैं या फिर टेकन का भी यूज आप कर सकते हैं। हैड या फिर टेकन, कितना इंटरेस्टिंग है। शी हैड हैड द मिल्क, तो इस तरह से जब सेंटेंस आपके सामने आता है ना, शी हैड हैड द मिल्क, आपको तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए, पीने की बात हो रही है, मिल्क को पीने की बात हो रही है। तो यहां पर हैड का जो सेंस है वो ड्रंक का सेंस है या टेकन का सेंस है। तो आप तीनों तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। अब इस सेंटेंस को देखिए, आई हैड कैप्ट द पेन देयर, आई हैड कैप्ट, मैं रख चुका था पेन वहां, मैं पेन को वहां रख चुका था। कैप्ट की जगह पर मैं हैड का भी तो यूज कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं आई हैड हैड द पेन देयर, अंडरस्टूड है कि रखने की बात हो रही है। पेन को खाने की बात तो हो नहीं सकती, पेन को पीने की बात नहीं हो सकती, पेन को करने की बात नहीं हो सकती। तो क्या सेंस निकल के आएगा अगर आपको ऐसा सेंटेंस दिखता है, आई हैड हैड द पेन देयर? सिंपली आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि यहां पर कीप का सेंस है, रखने का सेंस है। आई हैड हैड द पेन देयर। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके सामने ये सेंटेंस बोलता है, हैड यू हैड द वर्क? इस सेंटेंस में ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट का क्यों है? क्योंकि हैड का यूज किया गया जो कि हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले होता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। किसकी थर्ड फॉर्म है? हैव की थर्ड फॉर्म है। यहां पर हैड का क्या सेंस निकल के आ रहा है? डन, कैप्ट, ईटन या ड्रंक?
अब सोचिए, काम को आप पीते नहीं है, काम को आप खाते नहीं है, काम को आप रखते नहीं है, बल्कि काम को आप करते हैं। तो आइडियली ये सेंटेंस इस तरह से होता, हैड यू डन द वर्क, लेकिन इस सेंटेंस को इस तरह से भी बोल सकते हैं, हैड यू हैड द वर्क। अब ये सेंटेंस, हैज शी हैड द बर्गर, ये सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ये तो क्लियर है। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज हो रहा है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव की थर्ड फॉर्म हैड का यूज हो रहा है। यहां पर बर्गर खाने की बात होगी, अंडरस्टूड है, तो आप यहां पर ईटन का यूज कर सकते हैं, या फिर आप यहां पर टेकन का भी तो यूज कर सकते हैं ना। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके सामने ये सेंटेंस रखता है, हैज शी हैड द बर्गर, तो इसका सीधा सा मतलब है, हैज शी ईटन द बर्गर, या फिर हैज शी टेकन द बर्गर, क्योंकि तीनों तरीके से सेंटेंस को बनाया जा सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जब भी किसी सेंटेंस में आपको हैज हैड, हैव हैड या हैड हैड दिखता है, तो हमेशा ध्यान में रखिए कि जो दूसरा वाला हैड है उसका मतलब या तो किसी काम को करने से है, कुछ रखने से है, कुछ खाने से है, या कुछ पीने से है। और खाने और पीने के लिए टेकन का, टेक वर्ड का भी यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं शुड हैव हैड, कुड हैव हैड, मे हैव हैड, माइट हैव हैड, इस तरह की मोडल वर्ब्स का, जहां पर हैव के साथ में हैड का यूज होता है। शुड हैव हैड, शुड हैव हैड का यूज किसी भी सेंटेंस में किस सेंस में होता है? पास होना चाहिए था, किसी के पास कुछ होना चाहिए था, जैसे मेरे पास पेन होना चाहिए था, आपके पास मोबाइल होना चाहिए था, उसके पास गिटार होना चाहिए था, इस तरह से किसी भी व्यक्ति के पास कुछ होना चाहिए था, इस सेंस के लिए यूज होगा शुड हैव हैड का। मस्ट हैव हैड, मस्ट हैव हैड का यूज होगा पास होना ही चाहिए था, होना ही चाहिए था, यानी वो चीज जरूर होनी चाहिए थी, जरूर का जो सेंस आ रहा है ना, उसके लिए मस्ट का यूज किया जा रहा है। मे हैव हैड, माइट हैव हैड या कुड हैव हैड, इन तीनों का यूज एक ही सेंस में किया जाता है, बिल्कुल सेम, एक ही सेंस में, पास हो सकता था, पॉसिबिलिटी की बात है, संभावना की बात है, किसी के पास कुछ हो सकता था, जैसे आपके पास पेन हो सकता था, उसके पास कार हो सकती थी, उसके पास ये हो सकता था, उसके पास वो हो सकता था, इसके लिए इन तीनों में से किसी का भी यूज जिसका आपको मन करे आप कर सकते हैं। और वुड हैव हैड, वुड हैव हैड का यूज पास होता के सेंस में किया जाता है, जैसे उसके पास आज एक कार होती, आपके पास एक घर होता, मेरे पास ये होता, उसके पास वो होता, कोई ऐसी बात जो आज नहीं है लेकिन वो होती, ऐसा कुछ हम सोच रहे हैं, हाइपोथेटिकल केस है। एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल नंबर वन, रवि के पास कार होनी चाहिए थी, रवि के पास, रवि है सब्जेक्ट, रवि शुड हैव हैड, पास होनी चाहिए थी के लिए शुड हैव हैड, क्या होनी चाहिए थी? कार, सिंपल, रवि शुड हैव हैड अ कार। नंबर टू, उन दिनों आपके पास मुंबई में अपना घर होना ही चाहिए था, आपके पास होना ही चाहिए था अपना घर उन दिनों, सब्जेक्ट हो आप, यू, होना ही चाहिए था, मस्ट हैव हैड, आपका अपना घर, योर ओन हाउस, कहां पर? मुंबई में, इन मुंबई, दोस डेज, उन दिनों, दोस डेज, आपके पास होना ही चाहिए था अपना खुद का घर मुंबई में उन दिनों। सेंटेंस नंबर थ्री, अगर उसने पिछले 10 सालों में पैसे बचाए होते तो आज उसके पास अपना खुद का घर हो सकता था। कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? कंडीशनल सेंटेंस टाइप थ्री का सेंटेंस है, इफ ही हैड सेव्ड मनी, पिछले 10 सालों में, इन लास्ट 10 ईयर्स, इफ ही हैड सेव्ड मनी इन लास्ट 10 ईयर्स, अगर पिछले 10 सालों में उसने पैसे बचाए होते, कंडीशनल टाइप थ्री का सेंटेंस, ही कुड हैव हैड,
उसके पास हो सकता था उसका खुद का घर, his own house today. उसके पास आज अपना खुद का घर हो सकता था. यहां पर थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूं, कंडीशनल टाइप थ्री के सेंटेंसेस के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि दूसरे वाले क्लॉज में, पहला वाला क्लॉज तो इफ का क्लॉज होता है, दूसरे वाले क्लॉज में वुड का आप यूज करते हैं होता या हो चुका होता, इस तरह के सेंस में यूज करते हैं. लेकिन अगर सेंटेंस में सकता था का सेंस आएगा तो आप कुड का यूज कर सकते हैं. सेंटेंस नंबर फोर, अगर वो चाहता तो उसके पास कुछ भी हो सकता था. मान लीजिए वो इतना पैसे वाला था बीते कल में, पास्ट में, कि वो अगर वो चाहता तो उसके पास कुछ भी हो सकता था. अगर वो चाहता, इफ ही वॉन्टेड, उसके पास हो सकता था, मे हैव हैड, माइट हैव हैड, कुड हैव हैड, किसी का भी आप यूज कर सकते हैं. ही मे हैव हैड, मान लीजिए मैं मे हैव हैड का यूज करता हूं, ही मे हैव हैड एनीथिंग. इफ ही वॉन्टेड ही मे हैव हैड एनीथिंग. एग्जाम्पल नंबर फाइव, अगर मैंने इंग्लिश सीखी होती तो आज मेरे पास एक अच्छी नौकरी होती. मेरे पास होती क्या? एक अच्छी नौकरी. ये भी कंडीशनल टाइप थ्री का सेंटेंस है. इफ आई हैड लर्नड, अगर मैंने सीखी होती इंग्लिश, क्या होती मेरे पास? एक अच्छी नौकरी. I would have had a good job. Example number six, एक interrogative sentence लेते हैं. क्या उसके पास pen होना चाहिए था? पास होना चाहिए था. क्या, क्या से शुरुआत की तो should शुरुआत में आएगा. Should का use subject से पहले आप करेंगे. क्या उसके पास, यानी कि subject है वो, he should he have had a pen? क्या उसके पास pen होना चाहिए था? Example number seven, अगर आपने उसकी मदद नहीं की होती तो क्या उसके पास पैसे होते? क्या उसके पास होते पैसे? तो क्या से शुरुआत हो रही है, would का यूज शुरुआत में हो जाएगा. लेकिन कब? अगर आपने उसकी मदद नहीं की होती. पहले इस क्लॉज को आप बनाएंगे. इफ यू hadn't helped him, अगर आपने उसकी मदद नहीं की होती तो क्या उसके पास पैसे होते. क्या से शुरुआत हो रही ना, वुड का ही शुरुआत में आप करेंगे. इस क्लॉज की शुरुआत देखिए, इंटरोगेटिव बन जाता है. वुड ही हैव हैड मनी, और यहां पर क्वेश्चन मार्क. क्या उसके पास पैसे होते? तो देखिए, इस क्लॉज का सब्जेक्ट है ही से पहले आप ले आए किसको? वुड को. तो इस तरह से मैंने आपके सामने कॉन्सेप्ट को रखा. मैं जानता हूं कि कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स का बेसिक आपको पता लग पाता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं. मैं आपसे वादा करता हूं कि प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस इतनी आपके लिए लेके आऊंगा कि एक एक कॉन्सेप्ट पे आपकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी. अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि देश के हर छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को मैं पहुंचा सकूं, वो सक्षम बने और अपने जीवन में आगे बढ़े. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टेक केयर एंड गुड बाय.